जय भीम सबको बहुत शुक्रिया सवाल के लिए और अगर इस देश के लोगों को मूर्ख बनाना जर्नलिज्म है तो हमें वो जर्नलिज्म नहीं करना इस देश का नुकसान करना अगर जर्नलिज्म है तो हमें वो नहीं करना आपको मुद्दों से भटकाना और आपकी एजेंडा सेटिंग करना और अपने लोगों को ही उनकी मुसीबतों के लिए जिम्मेदार ठहरा देना हिंदू मुस्लिम की नफरत फैलाना दलित मुसलमानों के साथ में नफरत को बढ़ावा देना अगर ये आपकी समझ में जर्नलिज्म है तो कम से कम मैं उस तरह का जर्नलिज्म नहीं करता मैं उस तरह का जर्नलिस्ट नहीं हूं ये जो हम पर आरोप है कि आप एक्टिविज्म ज्यादा करते हैं आप जर्नलिज्म नहीं करते ये दरअसल इसके पीछे मुझे वो पूरी मानसिकता नजर आती है जो ये मानती है कि मेरिट हम सिर्फ हमारे पास हो सकती है हम ही सिर्फ ऑब्जेक्टिफाई कर सकते हैं हम ही सिर्फ किसी के बारे में अच्छे से बखान कर सकते हैं बाकी सारा किसी में ये क्वालिटी नहीं हो सकती कि वो अपनी कहानी खुद बता सके आप जब हमारी कहानियां पढ़ते हैं तो आपको ये समझना होगा कि ये कहानी एक विक्टिम के प्रस्पेक्टिव से आ रही है आप जो कहानी बता रहे हैं आप एक एलियन नजरिए से चीजें बताते हैं आप कभी उन चीजों से गुजरे नहीं हैं, आपने कभी उनको करीबी से देखा नहीं है आपने कभी उसको जिया नहीं है इसलिए आप जो ऊपरी आवरण ओढ़कर उसका बखान करते हैं वो आपकी कहानी हो सकती है मेरी कहानी मुझसे बेहतर आप बताएंगे ये जर्नलिज्म में नहीं मानता ये मैं आपकी क्वालिटी नहीं मानता आपकी नजर में गांव है बड़ा फसलें लहरा रही हैं आप गांव का चित्रण कीजिए आपसे पूछिए गांव कैसा होता है आप बताएंगे कि गांव तो बहुत खूबसूरत होता है इस देश की आत्मा गांव में बसती है मेरी दादी जो है वो चरखा कात रही थी पिताजी अखबार पढ़ रहे थे हल चला रहे थे ट्रैक्टर साफ कर रहे थे आम का चार जो है बनाया जा रहा था पापड़ सूख रहे थे एकदम यही आपका गांव का आपका वर्णन होगा आप मुझसे पूछिए मेरा गांव कैसा है मेरा नजरिया कैसा है मुझे किसी के खेत में मजदूरी करनी पड़ती है मुझे किसी खेत में मेरे को गाली देके मेरे को माँ की गाली देके जाति की गाली देके भगाया गया मेरे पिता कहीं पे बाहर खड़े हैं कि अन्न दे दो मेरी माँ कहीं पे बेगारी कर रही है तो मेरे लिए वो गाँव नहीं है जैसा आपके लिए गाँव है इसलिए मेरी कहानी अलग होगी और आपकी कहानी अलग होगी आप अपने हिसाब से जो कहानी बताते हैं मैं उसमें एग्री नहीं करता और आपको ये किसने ठेका दिया है कि आप ही हमारी कहानी बताएंगे आपको हमेशा जो है वॉइस ऑफ द वॉइसलेस बनना है और अपने हिसाब से ही सारी चीजें आपको गढ़नी है और आप समझें कि दलित पिछड़े जो लोग हैं वो सामने बैठेंगे पंडाल में आपके लिए कुर्सियां बिछाएंगे और फिर तालियां बजाएंगे जब आप हमारी कहानी बता के अवॉर्ड लेंगे तो ये नहीं होने वाला अब हमारे पास अपने चीजें हैं हम अपनी आवाज उठा सकते हैं और जब हम कहानी बता रहे हैं तो आपको सुनना पड़ेगा ना भाई आपके पुरखों ने क्या किया सुनना पड़ेगा आपको उस चीज को महसूस करना पड़ेगा कि आपके लोगों ने कितने इस देश में इस देश के इतिहास में जब ये देश बन रहा था तो सबसे ज्यादा मकारी किन लोगों ने की है वो हम बता रहे हैं ना आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा इस देश को अगर आप बेहतर रहने लायक बनाना चाहते हैं इस देश को अगर अच्छा समाज बनाना चाहते हैं तो आपको इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा आपको इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ हमारे लोगों ने गलतियां की हैं हाँ हमने इस देश में हिस्टोरिकल इनजस्टिस किया है हाँ हमने लोगों का हक मारा है हाँ हमने लोगों को पढ़ने नहीं दिया हाँ हमने लोगों को मेरिट होने से रोक दिया हमने कहा कि मुंह से बच्चे पैदा होते हैं हमने कहा कि बुझाव से बच्चे पैदा होते हैं हमने इस देश को इस तरह से बांट दिया तो ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो फिर आप इस देश को उसी तरह से बिखेरने की कोशिश कर रहे हैं आप इसको बेहतर देश नहीं बनाना चाहते रही बात मीडिया की कि हम कहानी क्या दिखा रहे हैं तो मैं वही पूछ वही जैसे मैं शुरू कर रहा था कि अगर रूबी का लियाकत जो है जर्नलिज्म कर रही है अगर दीपक चौरसिया साहब जर्नलिज्म कर रहे हैं अगर सुधीर चौधरी साहब जो है जर्नलिज्म कर रहे हैं तो मैं उन लोगों के सब मेरे पुराने कलीग रहे हैं सबके साथ मैंने काम किया है मैं कम से कम वैसा जर्नलिस्ट नहीं हूं मुझे ना आपका अवार्ड चाहिए ना मुझे आपकी रेक्टिफिकेशन चाहिए ना मुझे आपके बड़े बड़े लेख चाहिए ना मुझे चाहिए कि आप किसी पैनल में बिठा के मेरे को बड़ा बनाएंगे मुझे नहीं चाहिए मुझे अपने समाज के लोगों के लिए काम करना है मुझे अपनी आवाज खुद उठानी है हमारे पास कुछ कुछ साधन है और हमारे बहुत क्रिएटिव लोग हैं सदियों से काम करते आ रहे हैं आप बता सकते हैं क्या कि भारत का मीडिया टीवी अखबार जो आज चलता है वो जर्नलिज्म कर रहा है आपको लगता है जर्नलिज्म कर रहा है आपको लग रहा है जर्नलिज्म कर रहा है आपको लगता है कि इस देश में जो चीजें आज खराब हैं उसके लिए मीडिया जिम्मेदार है मानते हैं इस बात को आई आई एम एम वेरी वेरी प्राउड प्राउड जो भी इस देश में मीडिया की वजह से चीजें खराब हो रही है ना जिसको आपको लगता है कि मीडिया की वजह से वो चीजें खराब हुई हैं मुझे इस बात पर बहुत गर्व है कि इस देश को बिगाड़ने में इस देश को खराब करने में मेरे लोग हिस्सेदार नहीं है क्योंकि भारत का मीडिया 90 परसेंट मीडिया अपर कास्ट लोगों के हाथ में है कोई दलित आपको रिपोर्टर नहीं मिलेगा कोई दलित आपको एंकर नहीं मिलेगा कोई दलित आपको जो है ए, किसी चीज का एडिटर नहीं मिलेगा यानी जो आपके दिमाग में जो चीजें डाली जा रही हैं, जो मुद्दों से भटकाया जा रहा है जो एजेंडा सेटिंग की जा रही है आपको आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है मेरे लोग उसमें हिस्सेदार नहीं है और मुझे इस बात का गर्व है कि वो इस देश को ऐसा बर्बाद नहीं कर रहे ये करने वाले आपके ही लोग हैं आप पकड़िए उनके गिरेबान उनसे पूछिए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं अगर ये जर्नलिज्म आपकी नजर में होता है तो भाई हमको ऐसा जर्नलिज्म नहीं करना हमको अपने लोगों के लिए ये देखना है कि उनको हेल्थ केयर फैसिलिटी मिल रही है क्या उनके बच्चों का ड्रॉप आउट रेशो कम हुआ है क्या क्यों हमारी जो महिलाएं हैं आदिवासी वो चौदह साल पहले मर जाती हैं क्यों हमारे लोगों को जो है बेसिक सैनिटेशन नहीं मिलता क्यों उनको स्कॉलरशिप्स नहीं मिलते हैं। क्यों हमारे बच्चे आईआईटी आईएम जैसे बड़े संस्थानों में जाके उनकी सांस्थानिक हत्या हो जाती है उनको मरने के लिए मजबूर कर दिया जाता है क्यों हमारी महिलाओं के साथ जो अपराध होते हैं तो ये मुद्दे हमारे हैं इस पर हम काम करते हैं और और अगर आपको ये एक्टिविज्म लगता है तो आप कहते रहिए साहब आप तो नामकरण में माहिर हैं आपने तो बहुत नामकरण किए इस देश के आप तो बोलते रहे हैं जो आपके मन में आता रहा है हमें आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हमारी भाषा में जर्नलिज्म लोगों की मदद करना है इस देश को बेहतर बनाने लायक काम हमारे लोग सदियों से करते आ रहे हैं आज की बात नहीं है जब मेरे से लोग पूछते हैं ना कि आप जर्नलिज्म में कहा से इंस्पायर होते हैं किससे प्रेरणा लेते हैं तो मेरे को रूबिका लियाकत या अंजना ओम कश्यप से या श्वेता से इन सबसे प्रेरणा लेने की जरूरत नहीं है जब हम आई एम सी में देते तो हमको पढ़ाते थे जर्नलिज्म का मतलब है सवाल उठाना सवाल उठाइए जो आपके आसपास गलत हो रहा है जो आपके आसपास अन्याय हो रहा है उस पर निशान लगाइए और कोशिश कीजिए कि जो पीड़ित है जो व्यक्ति है उसके साथ आप खड़े हो सके और इस परिभाषा में अगर मैं आज के जर्नलिज्म को देखू क्या कोई सवाल उठाता है कि क्यों इस देश में लोगों की नौकरियां चली गई क्यों आपने कोरोना के समय में व्यवस्था नहीं बनाई क्यों आपने अडानी को इतना फायदा पहुंचा दिया क्यों आप अपने लोगों को जो अपने जो आपके खिलाफ है उनको जेल में डाल देते हैं किसी में है हिम्मत सवाल उठाने की सुधीर चौधरी आपको लगता है चलिए आपको लगता है तो देखिए उनकी टीआरपी बढ़ाइए मैं जानता हूं इंडस्ट्री में रहता हूं तो कि कौन कितना काम करने वाला है लेकिन ये सवाल उठाने का काम हमारे लोग सदियों से कर रहे थे आप बुद्ध पर चले जाइए आप संत रविदास पर चले जाइए वो ये सवाल उठा रहे थे कि ये क्यों इस देश में गैर बराबरी हो रही है क्यों इस देश में सिर्फ जन्म के आधार पर जाति के आधार पर गुणों का बंटवारा होगा और उसके हिसाब से तय होगा कि कौन मेरिटधारी है वो कहते हैं ना उनका आप दोहा देखिए पूज्य चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण और ब्राह्मण ना पूज्य जो होवे गुणहीन जात जात में जात है जो केतन के पात रहदास मनुष्य ना बन सके जब तक जात ना जात ये हमारे लोग पुरखे कर रहे थे आप कबीर पर आइए जो तू बामन बामनी जाया आन बाट का एना आया तुम उसी रास्ते से कैसे पैदा हो गए जिस रास्ते से मैं हूं अगर तुम ब्राह्मण हो तुम श्रेष्ठ हो तो ये सवाल हमारे लोग कर रहे थे अब आप, आप जो है राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले पे आइए दीन बंधु नाम का अखबार शुरू करते हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अपनी जिंदगी के छत्तीस साल जर्नलिज्म करते हैं पांच पांच अखबार निकालते हैं पेरियार साहब निकालते हैं मान्यवर कांशीराम काशीराम साहब निकालते हैं तो हमारे पास पत्रकारिता की एक लंबी विरासत है जिससे हम प्रेरित हो सकते हैं और वो जर्नलिज्म कर रहे थे वो एक्टिविज्म कर रहे थे कुछ भी कर रहे थे इस देश को खराब नहीं कर रहे थे इस देश की बुनियाद मजबूत कर रहे थे वही काम हम कर रहे हैं आपको जो नाम देना है देते रहिए शुक्रिया बड़ी खूबसूरत बात कही सुमित ने सवाल उठाना पत्रकारिता है जो ये पोल्यूशन बढ़ रहा है जिसका जिक्र इन्होंने भी किया अलीशान ने भी किया कि हाँ ये स्थिति तो है इस स्थिति को कैसे कॉपअप किया जाए और जो लोग हैं वो उसके इफेक्ट में ना आए जिस तरीके से गोदी मीडिया के इफेक्ट में वो आ गए जिस तरीके से वो एक संप्रदाय से नफरत करने लगे जिस तरीके से एक जाति को वो नीचा समझने लगे जिस तरीके से पेट्रियॉरिकल माइंड उनके अंदर फ्लो होने लगा उसी तरीके से जो ये अल्टरनेटिव मीडिया का इकोसिस्टम है ये जो यूनिवर्स है इस यूनिवर्स में भी उस पॉल्यूशन का इफेक्ट लोगों तक ना पड़े इसको लेकर क्या कुछ कहा जा सकता है अपने ऑडियंस से भी आप कहना चाहेंगे और क्या आप क्या सोचते हैं इस बारे में देखिए आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हर चीज का दोष इसलिए देते हैं क्योंकि वो सरकार के मुखिया हैं वो सबसे ज्यादा पावरफुल एक व्यक्ति हैं पावर सेंटर में बैठे हुए हैं और सबसे ज्यादा उनके पास शक्तियां हैं इस सवाल को मैं इसलिए पूछ रहा हूँ इसलिए ये बात बता रहा हूं कि जब हम इसको हम सामाजिक संदर्भ में समझने की कोशिश करते हैं तो समाज की शक्तियां किन के पास है समाज में कौन ताकतवर है कौन डिसीजन मेकर है कौन ओपिनियन मेकर है ये समझना जरूरी है और भारत को मैं मानता हूं कि भारत एक जाति प्रधान देश है यहाँ जातियों के हिसाब से ही सारा काम होता है और जाति इस देश की हकीकत है तो इस संदर्भ में जब मैं आपके सवाल को देखता हूं तो मुझे समझ आता है कि जो जातियां डोमिनेंट हैं जो ओपिनियन मेकर की भूमिका निभाती हैं जो खबरों का कारोबार करती है जो खबरों को जो लोकतंत्र का चौथा खंबा था जिसे उसने लोकतंत्र का चौथा खंबा प्राइवेट लिमिटेड बना के मुनाफा कमाने का कारोबार शुरू किया वो कौन सी जातियां हैं कौन से वर्ग हैं जिनके पास वो शक्तियां हैं ये टीवी और अखबार की दुनिया से बाहर जब सोशल मीडिया आया है तो सबसे पहले किसके हाथ में आया किसने सबसे पहला अपना यूट्यूब चैनल भारत में खोला होगा किसने उसको न्यूज की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया होगा आप सब जानते हैं कि जब हम लोग तो आईएमसी में थे तो पढ़ाते थे कि आ, सोशल मीडिया आने के बाद मीडिया खत्म हो जाएगा लेकिन हुआ उसका उल्टा कि जितने बड़े मीडिया हाउसेस थे उन्होंने सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया और अपने वेंचर शुरू कर दिए जो डिजिटल मीडिया के तौर पर आ गए और तमाम तरीके के, के कंट्रोल उनके पास में आ गए उसके बरक्स में जब सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिटीजन जर्नलिज्म के लिए शुरू हुआ तो वो इस्तेमाल करने वाली जातियां और वो लोग जो है वो किस तरह का कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं ये भी हमें इसका जातिगत वर्गीकरण करना चाहिए क्योंकि भारत में जातियां सबसे बड़ी हैं इसलिए उसका हम मैं जिस चीज से देखता हूं मैं देखता हूँ कि वो बनाने वाले कौन लोग हैं किस तरह का कंटेंट वो दे रहे हैं वो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं तो मैं अपने अगर अनुभव से ये देखूं कि बहुजन दलित मीडिया जिसको आ, बाकी सारे आ, आ, मीडिया है हम लोग दलित मीडिया है हम लोग बहुजन मीडिया हैं मतलब हमका भी भी ही गर्व महसूस होता है कि वो सोशल मीडिया को एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं अपने लोगों की आवाज बनाने के लिए आज हमारे देश में आप कई मामलों को अगर देखेंगे तो आप हाथरस का मामला देखिए ताजा मामला है हाथरस का उस पूरे मामले में जब वो पहली रिपोर्टिंग हुई है पहली बार वो सोशल मीडिया पर आया है वो सिर्फ दलित बहुजन मीडिया की वजह से आया है पहले हफ्ते भर मीडिया ने उस पर कोई रिपोर्टिंग नहीं की थी उसको कोई कवरेज नहीं दिया था तो दलित बहुजन जर्नलिस्ट जाके उसके पास यूट्यूबर्स और छोटे मोटे जर्नलिस्ट जो हैं वो जाके बात करते हैं और फिर वो मुद्दा हम तक आता है तो एक बड़ा नेशनल मुद्दा बनता है बच्ची को दिल्ली लेके आया जाता है तो इसमें मैं अपने जो अल्टरनेटिव मीडिया है उनको मैं एक शक्ति के तौर पे देखता हूं कि वो इस देश को रहने लायक बनाने के लिए ज्यादा काम कर रहे हैं ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और वो अल्टरनेट मीडिया उनके लिए एक टूल है जब अल्टरनेट मीडिया बनाया होगा लोगों ने मार्क जखरबर्ग ने कभी नहीं सोचा होगा फेसबुक पे हम जर्नलिज्म करेंगे या, या यूट्यूब पे हम लोग जर्नलिज्म करेंगे बट मैं समझता हूं कि हमारे जो दलित बहुजन लोग हैं वो बहुत क्रिएटिव है उनको आप बस एक छोटा सा मौका दे दीजिए उनको एक छोटा सा टूल दे दीजिए वो उसका इस्तेमाल बहुत अच्छे से करते हैं इस देश के इतिहास में आप देखेंगे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को क्लासरूम से बाहर बैठने का मौका मिला उनको अंदर भी नहीं आने देते थे और फिर वो व्यक्ति दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बन गया पढ़ा लिखा जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था उस समय का तो वो बहुत क्रिएटिवली काम करते हैं तो सोशल मीडिया को हमारे लोगों ने बहुत क्रिएटिवली इस्तेमाल किया और कई ऐसे मामले हैं जिसमें चाहे वो एफ दर्ज कराना हो या फिर जो सार्वजनिक रास्तों पर कब्जे थे वो हटना हो या कोई किसी मुद्दे को गली को लेकर बिजली को लेकर खाने पीने को लेकर अत्याचार उत्पीड़न को लेकर कहीं पे कोई घटना होती है तो हमारे लोग मोबाइल उठाते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं सोशल मीडिया पर डालते हैं फिर हम सब लोग उस पर चर्चा करते हैं उसको आगे बढ़ाते हैं तो नेशनल कमीशन को टैग करते हैं पुलिस को टैग करते हैं जिससे उसमें एक शिकायत होती है और न्याय मिलने की कोशिश होती है तो दलित बहुजन परस्पेक्टिव से मुझे ये न्याय के लिए एक टूल नजर आता है इसके बरक्ष जो यूट्यूबर जैसे मनीष कश्यप हैं आप जानते हैं कौन है वो त्रिपुरारी तिवारी जो हैं तो आपको ये देखना होगा कि उस तरह का काम करने वाले जो लोग हैं वो किस वर्ग से हैं किस जाति के लोग हैं कौन है जो ये पॉल्यूशन फैला रहे हैं कौन उसके लिए जिम्मेदार है तो मेरे अपने लोग तो कम से कम उसके लिए जिम्मेदार नहीं है हम न्यूज बीक पे लगातार जनवादी अपने लोगों की पत्रकारिता करते हैं और पिछले तीन साल से हम लोग बहुजन यूट्यूबर मीट कर रहे हैं हम दिल्ली में हर साल करते हैं इस बार डेढ़ से ज्यादा लोग हमारे पास थे और हम सब उनको क्लासरूम ट्रेनिंग दे रहे थे कि ये जर्नलिज्म होता क्या है रिपोर्टिंग कैसे होती है कैसे फ्रैक्चर करना है कैसे खबरें लिखनी है क्योंकि जो हमारे लोग हैं वो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट नहीं है आप देखेंगे हमारे बहुत सारे लोग वो मीडिया स्कूल्स में नहीं जा पाते हैं उनको आ, मीडिया की ट्रेनिंग नहीं होती है कोई वर्कशॉप्स नहीं होती है एक टूल अवेलेबल है सोशल मीडिया के आने की वजह से हमको एक आवाज मिली है तो लोग अब उसको धीरे धीरे आ, क्लिप्स बना के वीडियो बना के रील्स बना के पोस्टर्स बना के वो शेयर करते हैं और अपने मसलों को मुख्य धारा में लाने की कोशिश करते हैं तो अपने लोगों के लिए मुझे इस बात की खुशी है कि वो सोशल मीडिया के अल्टरनेटिव मीडिया के प्रहरी हैं वो उसके रक्षक हैं जिसका बेहतर इस्तेमाल कर रहे हैं और इसको बर्बाद करने का इसको पॉल्यूट करने के जिम्मेदार भी कोई और लोग हैं मेरे अपने लोग नहीं है होता ही है कि हमारा दर्द दिखा के मुझे कभी कभी ऐसा माइंड भाई ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा लगता है हाँ मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि जो इस देश के सवर्ण जर्नलिस्ट हैं सवर्ण फिल्म मेकर हैं या सवर्ण एक्टिविस्ट हैं उनको ना मतलब दलित जो है ना पीड़ित दबे कुचले रोते हुए बिलखते हुए उनको बड़े अच्छे लगते हैं क्योंकि वो उनका करियर बनाते हैं वो उनको बड़े बड़े अवार्ड दिलाते हैं वो उनको बड़ी बड़ी किताबें लिखने की कहानियां देते हैं और वो ऐसा हमको देखना चाहते हैं उनको चाहिए कि हम ऐसे हों ताकि वो आए कैमरा निकाले हमारे ऊपर फिल्म बनाए हमारी दूरदशा को दिखाएं कि देखिए कितने बेचारे गरीब हो गए हैं और कोई मसीहा बनकर वो आना चाहता है हमारे यहाँ पे तो हमारी कहानियों को बेच के आप अपने फ्लैट खरीदेंगे आप अपनी गाड़ियां खरीदेंगे आप अपने अवार्ड झोलियों में भरेंगे और उसके बाद हमको बोलेंगे कि आप जो है वो एक्टिविज्म कर रहे हैं आप जर्नलिज्म नहीं कर रहे हैं आपके अंदर जो है मेरिट नहीं है आपके पत्रकारिता पत्रकारिता नहीं है तो ये भी समझने की जरूरत है आपको कि आप जिन लोगों की कहानियां बता रहे हैं अगर वो अपनी कहानियां बता रहे हैं आपको तो सुनने का धैर्य रखिए सुनिए उनकी पीड़ा को उनके मुंह से सुनिए आप आप सब जानते हैं कि आ, महिलाओं को महावारी होती है उनको अगर घर से बाहर निकलना होता है तो वो तमाम सोचती हैं कि कहीं टॉयलेट है कि नहीं है अगर हमें पैड चेंज करना है मेरे पास एक्स्ट्रा पैड है कि नहीं है क्योंकि दे दे आर आर सफरिंग गोइंग थ्रू इट वो अपने उस हिसाब से सोचती हैं जिन लोगों ने उसमें कुछ सहा नहीं है मैं निकलते हुए नहीं सोचता हूं मैं कहीं बाहर जाते हुए मुझे ऐसा सोचना ही पड़ता है कि मैं इस तरह की व्यवस्था करूँ कि टॉयलेट है पैड है कि नहीं है मेरे, मेरे को जरूरत होगी तो क्या होगी तो जिन जिन लोगों को उससे गुजरना होता है जो उस चीज से सहते हैं वो उससे बेहतर चीजें आप नहीं बता सकते आपको ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी आपको ये ईगो छोड़ना पड़ेगा जो ये सवरना ईगो है ना कि हम ही बेस्ट हैं हम ही सबसे अच्छे हैं हम ही सबसे अच्छे स्टोरी टेलर हैं हम ही सबसे अच्छे जर्नलिस्ट हैं हम ही सबसे अच्छे डॉक्यूमेंट्री मेकर हैं ये चीज आपको छोड़नी पड़ेगी कुछ लोग बोलेंगे कि अच्छा हम सिंपेथाइजर हो सकते हैं कि महिलाओं को पीरियड्स होते हैं हम सिंपथाइजर हो जाते हैं कि अच्छा टॉयलेट्स बनाइए उनके लिए फ्री पैड्स दे दीजिए तब भी मेरा सवाल यहाँ आता है आप वो पीड़ा तो नहीं सह सकते आप वो दर्द तो नहीं महसूस कर सकते सेंपिटाइजर होना बहुत जरूरी है लेकिन फिर भी वो जो पीड़ा है उस समय जब ब्लीड करती है महिला वो सिर्फ वही सह सकती है आप नहीं सह सकते आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस तरह की पीड़ा से वो गुजरती है और कहानी भी वही बयान करे जो उस पीड़ा से है एक्जेक्टली exactly, आपको क्यों बनना है भाई आप क्यों ठेका लेके बैठ गए जब आपके पास चीजें थी तब आपने हमारे बारे में चर्चा की नहीं तब आपको तो हम लोग कीड़े मकोड़े लगते थे तब आपको जरूरत महसूस नहीं होती थी आप जब हम लोग काम करते हैं तो हमें कहते हैं इनके कंटेंट में दम नहीं है ये ये कंटेंट अच्छा नहीं बनाते अरे भाई हमारे पुरखे इस देश के असली कंटेंट राइटर थे आपके जो पुरखे हैं उनका कंटेंट राइटर देख लेंगे ना उनका कंटेंट आप देख लेंगे तो शर्मसार हो जाएंगे अगर आपने उसको देख लिया कि किस तरह की किताबें किस तरह की बातें किस तरह की कहानियां और किस तरह के वो मनगणन चीजें लिखे गए हैं हमारे लोग थे जो इस देश के असली कंटेंट राइटर थे और आज भी वो काम बखूबी कर रहे हैं बहुत अच्छे से कर रहे हैं इसलिए मैं, मैं मैं सीधा साफ बोलता हूँ कि मुझे आपका सर्टिफिकेट चाहिए ही नहीं भाई नहीं हम अपना काम खुद करेंगे